Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. आज का टॉपिक है मेंडल्स लॉज ऑफ डोमिनेंस. इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द जॉइंट डिस्क्रिप्शन ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि मेंडल्स लॉज ऑफ डोमिनेंस क्या है. द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल है ये. तो पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं, साथ ही साथ में उसके एक्सप्लेनेशन में जाते हैं. विद हेल्प ऑफ व्हेन अ पेरेंट सेट प्योर कंट्रास्टिंग ट्रेट अक्रॉस टुगेदर only one form of trait appears in the next generation. The hybrid offspring will exhibit only the dominant trait in the new generation. जो pure contrasting traits होते हैं, जब भी कोई mental experiment perform किया जाता है या जो mentors ने experiment perform किए थे, he has used the pure traits. ठीक है, उसे pure breeding strains को use किया था. प्योर ब्रीडिंग स्ट्रेन्स को जब प्लॉट किया जाता है, वो तो वो अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में अपेयर करेंगे. तो जो दो डिफरेंट प्योर ब्रीडिंग स्ट्रेन थे, वो इन दे आर क्रॉस टुगेदर, ये क्या करेंगे, ऑफस्प्रिंग बनाएंगे. ऑफस्प्रिंग विल बी अ हाइब्रिड. हाइब्रिड जो है, इट हैज़ ओनली द डोमिनेंट फीनोटाइप. वो खुद को डोमिनेंट, अपनी डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा. कैसे करेगा देखते हैं. नाउ प्लांट, पी प्लांट जो है, इट प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर, वॉयलेट फ्लावर एंड द वाइट कलर फ्लावर. अब जो वॉयलेट कलर फ्लावर है, उसको हम कैपिटल आर से शो कर देते हैं और वाइट फ्लावर को हम स्मॉल आर से शो कर देते हैं. राइट, अब तो ये कैपिटल आर और स्मॉल आर. ओके, नाउ देयर आर टू कैपिटल आर एंड टू स्मॉल आर. सो दो कैपिटल आर है, इट मीन्स इट इज़ अ प्योर ब्रीडिंग स्ट्रेन, एंड टू स्मॉल आर, इट इज़ अ प्योर ब्रीडिंग स्ट्रेन फॉर द वाइट फ्लावर. वी आर गोइंग टू क्रॉस दीज फ्लावर्स. ठीक है, हम इनके क्रॉस पोलिनेशन करवाएंगे. क्रॉस पोलिनेशन करवाने के रिजल्ट में हमारे पास हाइब्रिड बनेगा. तो द प्योर ब्रीडिंग स्ट्रेन टेकन इन द स्टार्ट इज नोन एज द पी वन जनरेशन और पेरेंट टू जनरेशन. लेकिन आगे जो हमारे पास बनेगा एफ वन जनरेशन, दैट इज द हाइब्रिड. एफ स्टैंड फॉर द सीरियस, और सीरियस का मतलब होता है सन. तो ना अगर हाइब्रिड को देखें कि द कैपिटल आर एंड स्मॉल आर दोनों में से एक एक आए हैं, क्योंकि कभी भी अलील जो है वो दोनों उसके नहीं जाएंगे, दोनों में से सिर्फ एक ही जाएगा. अब यहाँ पे ये एक ही आया है, तो जो आर कैपिटल आर, इट इज़ अ डोमिनेटिंग ट्रेट, ये खुद को शो करेगा. जो रिजल्टिंग फ्लावर होगा वो वाइट इन कलर होगा. तो यहाँ पे कि जो कैपिटल आर है, इट हैज़ डोमिनेटेड द फीनोटाइप और द फिजिकल अपीयरेंस इन द एफ वन जनरेशन. तो वी कॉल द अदर ट्रेट एज अ रिसेसिव ट्रेट, बिकॉज इट हैज बीन मास्क्ड बाय द डोमिनेंट ट्रेट इन द एफ वन जनरेशन. और उसकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक थी वो शो नहीं हुई एफ वन जनरेशन में, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आर जो था, जो कि डोमिनेटिंग ट्रेट था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक शो हो गई है एफ वन जनरेशन में. तो ये था मेंडल लॉज ऑफ डोमिनेंस. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, यू कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम मी इन द कमेंट बॉक्स.